तो ये जो है लैपटॉप है डेल का, और मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम लैपटॉप जो हमारा डेल का है E6410 जो है उसका किस तरह से हम वीलैन, जिससे हमारा जो वायरलेस होता है, वाईफाई जो वर्क करता है, वो किस तरह से हम चेंज करें। तो आप बैक साइड में ये देखेंगे, और इसका ये एक स्क्रू है, इसको आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद इस कवर को आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उसका। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोसेसर का फ़ैन है, यहाँ पे प्रोसेसर लगा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इसमें बैटरी लगी है ये बैटरी निकाल लेना है। तो ये बैटरी हम इस तरह से स्लाइड कर देंगे इसको, तो ये बैटरी हमारी इसकी ये निकल जाएगी। तो ये बटन है, ये इस तरह से करेंगे तो ये बैटरी बाहर हो जाएगी, और ये यहाँ से करेंगे इधर, तो ये इस तरह से ये बैटरी इसकी निकल गई है। तो सबसे पहले आपको बैटरी निकालनी है जब भी कुछ करें इसमें। तो यहाँ पे ये रैम लगी है, रैम किस तरह से इसको निकालते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे ये, और इस तरफ से, और इधर से आप प्रेस करेंगे ये, तो ये बैटरी बाहर निकल आएगी इसकी। ये देखिए इसकी जो रैम है वो निकली आई है। तो उसमें दो रैम लगी है, एक रैम ये है और एक ये। तो ये रैम हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ये दो रैम है इसके अंदर, ये देखिए। तो ये रैम है इसकी 2 GB की है, यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये यहाँ आप देखेंगे नीचे यहाँ 2 GB लिखी हुई है, और इसका ये DDR3 है, और ये इसका नंबर है, और इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ ये DDR3 है, और यहाँ इसका नंबर दिया है 2 GB रैम। तो मैंने आपको रैम दिखा दी है इसकी, और यहाँ पे ये रैम लगती हैं, दो रैम लगती हैं इसमें, 4 GB रैम है इसके अंदर, और ये रैम का है। अब मैं रैम लगाता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रैम कैसे लगाते हैं। पहले मैं नीचे वाली लगाऊंगा जो फर्स्ट रैम है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये जो होता है यहाँ पे, इससे आप करके इस तरह से यहाँ इससे मिला के और ऐसे इसको नीचे कर देंगे, तो ये फर्स्ट रैम लग गई है, और सेकंड रैम जो है वो ऊपर लगेगी यहाँ पे। तो ये रैम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और ये भी लग गई है, दोनों रैम लग गई हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया रैम का रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं आप बैटरी।